आज महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर है वो एशिया की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका पर लगा हुआ है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए 227 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 37,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी के चुनाव में इस बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनावी मैदान में है, और ऐसे में शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी का मुकाबला चौतरफा हो चुका है। बीएसपी ने भी 109 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहली बार बीएमसी का चुनाव लड़ रही है। उसने 56 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वोट डालने के लिए पहुंचे। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी सोनल सिंह इस वक्त जुहू में मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। सोनल, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां पर मतदान किस तरह से चल रहा है? 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ और हम इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहता है बीएमसी के चुनावों में। ऐसे में इस बार कैंपेन्स भी काफी रन किए गए। जी, अगर बात करें जुहू इलाके की, सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सेंटर है, खासतौर पर इसके सेलिब्रिटी सेंटर कहा जाता है, यहाँ पे जो वोटिंग करने के लिए मिस्टर बच्चन से लेकर रोशन सिन्हा जितने भी बड़े जो नाम है बॉलीवुड के सितारों के, वो यहाँ पर आकर वोट करते हैं। लेकिन अभी तक जो फिलहाल स्थिति है, अभी तक कोई नहीं आया है। जहाँ तक आम जनता की बात की, क्योंकि ये हाई फाई पॉश इलाका है, कुछ ही लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें से एक कपल हमें मिला जो कि 91 साल के थे और उनकी वाइफ 85 ईयर्स की थी, तो वो यहाँ पर वोट करके गए हैं। कुछ गिनो चुने, हालांकि चूंकि जूही इलाका है, थोड़ी देर बाद हम ऐसा लगता है कि तकरीबन 9-10 के आसपास ऑफिस जाने के टाइम के आसपास यहाँ पर लोग आएंगे और वोट करके निकल जाएंगे। सोनल, जो इलाके के यहाँ के अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो चुनाव में वोटर के मन को डिसाइड करेंगे कि किसे उन्हें चुनना है और किसे नकारना है? लेकिन जो हमने आम लोगों से बात की, उनसे यही पता चला है कि उनका जो खास मुद्दा है वो यहाँ पर क्लीनलीनेस का मुद्दा है। साथ ही साथ स्पेशली न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के हर इलाकों में जो गड्ढों का मुद्दा है, मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा पॉश इलाका है, पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है वो यहाँ बसता है, और ऐसे में जो रास्ते हैं, रास्तों के जो गड्ढे हैं, उससे हर कोई निजात पाना चाहता है। और जिन्होंने भी वोट दिया है वो प्रत्याशी को देख कर, उम्मीदवार को देख कर उन्होंने वोट दिया। और उनकी अपील भी है कि अभी शुरुआत हुई है दिन की, आने वाले पूरे समय में लोग आएं और अपना मत दें।